हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के निचले इलाके व आसपास के क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पहाड़ों पर जाकर धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग गांव की ऊंची पहाड़ियों पर जहां गर्मियों में ग्रामीण के पशु रखे होते हैं वहां जाते हैं। वहां जाकर विधि विधान से पहाड़ों में बास करने वाले देवी देवताओं की पूजा की जाती है ताकि देवी देवता खुश होकर इलाके के लोगों पर कृपा बनाए रखें। इन क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिनों तक मनाई जाती है। पहले दिन ऊंची पहाड़ियों की चढ़ाई चढ़कर पूजा पाठ और नाच गान एवं पशुओं को नमक देने के बाद दूसरे दिन वापसी। इसी तरह किन्नौर जिला के प्रथम गांव चौरा के लोगों ने भी अपने कंडे खलार नामक स्थान में जाकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। इस दौरान मान्यता अनुसार जंगल में बास करने वाले देवी देवताओं को हलवा पूरी बनाकर पूजा पाठ से खुश किया गया। पूजा पाठ के बाद प्रसाद भी लोगों में बांटा गया। प्रथा अनुसार ग्रामीणों ने पशुओं को नमक भी खिलाया। मान्यता है कि इस दिन पशुओं को नमक देना धर्म का काम होता है, खासकर जिनके परिवार से कोई 10 साल के भीतर स्वर्गवास हुआ हो उस परिवार द्वारा नमक अवश्य दिया जाता है। चौरा गांव की कविता नेकी ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए गांव के कंडे खोलकर नामक जगह पर आए हैं। उनके साथ गांव के बुजुर्ग और युवा आए हैं। यहां आकर सबसे पहले गाय को नमक देते हैं क्योंकि पुण्य का काम माना जाता है। उसके बाद हलवा पूरी बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पहाड़ों पर बास करने वाले देवी देवताओं को पूजा पाठ से खुश किया जाता है ताकि इलाके में साल भर फसल अच्छी हो, प्राकृतिक आपदाएं ना आए। पूजा पाठ के बाद नाच गान भी होता है। इस बार कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोग कम आए हुए हैं। नमस्कार जी, मैं कविता नेगी जो कि चौरा से बिलोंग करती हूँ। आज हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे यहाँ हमारे कंडे खोलार में आए हैं। खोलार मतलब जगह का नाम है जो हमारे कंडे को बोला जाता है। आज हम यहाँ पे आए, हम लोगों ने हम अपने साथ नमक लेकर आए एंड जो हमारी जो यहाँ पे गाय है जो हम लोग आजकल गर्मियों में यहाँ पे भेजा जाता है घास के लिए, क्योंकि जो काफ़ी अच्छा घास माना जाता है उनके हेल्थ के लिए, तो उनको हमने नमक दिया एंड उसके बाद हम लोगों ने पूरी हलवा पूरी बनाया एंड पूजा पाठ किया। वो इसलिए कि जैसे यहाँ पे पहाड़ों में बहुत सारे देवी देवता बसते हैं, हमारे पूर्वजों का मानना है कि पहाड़े जो होती हैं यहाँ पे जो भी मतलब हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता होते हैं। उनकी पूजा पाठ करके उन्हें खुश करके हमारे पूरे साल भर के जो साल फसल होते हैं वो सारे अच्छे रहते हैं। टाइम पे बारिश होती है एंड फसलें भी उपजाऊ अच्छे से रहते हैं और सब कुछ हमारा बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आए, हमने मतलब बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आ पाए बिकॉज कोरोना की वजह से लॉकडाउन है तो ज़्यादा आना पॉसिबल नहीं था। हम आए यहाँ पे पूजा पाठ किया, उसके बाद हमने मेला लगाया और काफ़ी अच्छा अच्छे से सेलिब्रेट किया जन्माष्टमी को। थैंक यू। मीनाक्षी ने बताया कि हम किन्नौर से पहले गांव चौरा के कंडे में गए थे, जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। वैसे ही इस उत्सव को मनाने के लिए बहुत से लोग आते हैं लेकिन इस बार कोरोना के चलते कम लोग आए हैं। लोग यहां पशुओं को नमक देते हैं क्योंकि श्री कृष्ण भी गवाले के रूप में थे, इसलिए पशुओं को इस दिन नमक देना पुण्य का काम माना जाता है। मैं मोनिका नेगी, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जन्माष्टमी के अवसर पर। यहाँ पे हम आकर बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम डंगरों के लिए नमक लेकर आते हैं। हमारे पूर्वजों का कहना है कि यहाँ पे अगर हम डंगरों को नमक देंगे तो ये एक धर्म का काम होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो थे ना वो भी एक गवाला थे, इसीलिए हम यहाँ पे आकर गाय को नमक वगैरह देते हैं। और ये आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जन्माष्टमी के लिए हुए हैं, यहाँ पे हम सब पूजा पाठ करते हैं फिर नाच गाना भी करते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पूजा ही होगा, क्योंकि जो कोरोना है कोरोना की वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग आ नहीं पाए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जो जितने लोग हैं हम उतने ही पूजा वगैरह करके हम चले जाएंगे। कफूर गांव के रामानंद ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है, उसी तरह हम भी जन्माष्टमी मनाने गांव के कंडे खलार नामक स्थान में आए हुए हैं। कृष्ण भगवान भी गौओं से प्यार रखते थे, इसलिए लोग इस दिन पहाड़ों पर आकर गौओं को नमक खिलाते हैं, उसके बाद पूजा पाठ किया जाता है। मैं रामानंद, गांव कफूर और तहसील निचार और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, और आज जो हमने जो जन्माष्टमी थी उसको मनाते हैं तो पूरा भारतवर्ष मनाती है, उसी की बात ही हम भी अपने गांव के लोग इकट्ठे होकर के यहाँ इस जगह पर जो खलार नाम की जगह पर हम जन्माष्टमी को के उत्सव में हम अच्छी तरह से उसे मतलब कृष्ण भगवान भी गौओं से ज़्यादा वो प्यार रखते थे, हम भी
गवों को, इसी वजह से हम जो है नमक आदि देते हैं आज के दिन, और खुशियाँ वो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम खुशियाँ भी मनाते हैं सभी गांव वाले। पर कोरोना की वजह से हम ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाए, अभी पहले के भांति पूरे इकट्ठे नहीं हुए, थोड़े से मतलब इकट्ठे हुए हैं हम लोग, और